20 साल पुराने काले हिरण शिकार मामले में सलमान खान को 5 साल की सजा और 10,000 रुपए का लगा जुर्माना। जोधपुर सेंट्रल जेल भेजे गए सलमान खान। उनके वकील ने सेशन कोर्ट में जमानत याचिका दायर कर दी, जिस पर कल होगी सुनवाई। केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार के बयान पर सुब्रमण्यम स्वामी का पलटवार। उन्होंने कहा कि रोजाना संसद जाता हूं तो क्यों ना लूं सैलरी। बुधवार को केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार ने 23 दिन की सैलरी लेने से किया था मना। हाई कोर्ट ने आयकर विभाग को लगाई लताड़। फिलहाल ITR भरने के लिए जरूरी नहीं पैन से आधार कार्ड लिंक करना। कोर्ट ने अपने निर्देश में साफ किया कि इनकम टैक्स विभाग किसी को IT रिटर्न भरने के लिए आधार संख्या देना जरूरी नहीं बना सकता। रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में नहीं किया कोई बदलाव। केंद्रीय बैंक के इस फैसले से सेंसेक्स 577 अंक उछलकर 33,597 अंक पर पहुंचा। इस साल देश के किसानों के लिए है अच्छी खबर। इस बार मानसून सामान्य रहने की जताई गई है उम्मीद। सूखे के भी नहीं है आसार। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव की दुल्हनिया बनेंगी ऐश्वर्या राय। वो परसा से RJD विधायक और बिहार के पूर्व मंत्री चंद्रा राय की बेटी हैं। इसी महीने सगाई की सुगवाहट चल रही है। बॉल टेम्परिंग मामले में फंसे डेविड वार्नर भी नहीं देंगे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के बैन को चुनौती। स्मिथ पहले ही ले चुके हैं फैसला। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की अच्छी शुरुआत। मीरा चानू ने भारत को दिलाया पहला गोल्ड। बैडमिंटन टीम इवेंट में भारत ने पाकिस्तान को 4-0 से हराकर क्लीन स्वीप किया। महज 6 दिनों में बागी 2 हुई 100 करोड़ रुपए से पार। टाइगर श्रॉफ और दिशा पटानी के अभिनय वाली यह फिल्म बागी 2 साल 2018 की तीसरी ऐसी फिल्म बन गई है जिसने 100 करोड़ के क्लब में एंट्री की है। दीपिका पादुकोण का शादी को लेकर बड़ा बयान। खुद को बताया कामकाजी पत्नी। रणवीर और दीपिका पिछले 5 सालों से रिलेशनशिप में है।